सो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप जो है जैम का लेटेस्ट वर्जन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जैम को आप जो है अपने अपाचे, टॉम कैट और MySQL को आप जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं जैम को डाउनलोड करके। तो उसका जो है कंप्लीट डाउनलोड एंड सेटअप आपको यहाँ पर जो है शो करेंगे। तो फर्स्ट आप जो है क्रोम ब्राउजर में चले जाते हैं और यहाँ पर हम जो है टाइप करते हैं जैम। यहाँ पर आपको जो है जैम पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप जो है फर्स्ट लिंक पर चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आपको यहाँ पर अपाचे फ्रेंड्स पे आएंगे, यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है जैम पर डाउनलोड 7.2, तो डिफरेंट वर्जन यहाँ पर शो कर रहे हैं। आपने जो है विंडोज़ है, लाइनक्स है आपका जो है OS, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे अगर iOS है ना, तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे आप जो है 32 बिट, 64 बिट जो है यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप जो है डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपका जो है जैम का शो करेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसको पहले से डाउनलोड कर लिया हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैम विंडोज़ इंस्टॉलर ऐसे आपको जो है यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आप डबल क्लिक करके इसको जो है इंस्टॉल कर लेनी है सिंपल से। बिटनामी यहाँ पर आपको जो है यहाँ कंटिन्यू विद द इंस्टॉलेशन ओके। यहाँ पर मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ किया इसलिए ये जो दिखा रहा है। अब यहाँ पर जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर से आपको किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, सारी चीज़ MySQL आपको जो है फाइल जीला FTA मरकरी, यहाँ पर मेल सर्वर टॉम कैट पॉल, यहाँ पर PHP माई एडमिन, सो सारी चीज़ों की अपने को रिक्वायरमेंट है तो अपन जो इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप जो है इसको डिफॉल्ट रहने दे सकते हैं या फिर यहाँ पर से आप ब्राउज करके अपना जो है जैम का लोकेशन सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो है नेक्स्ट करेंगे आपको जो है एक बार फिर से नेक्स्ट करनी होंगी। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे आप इसको जो है क्लोज कर दीजिए और उसके बाद आपको जो है सिंपल से यहाँ पर नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पर से शुरू हो जाता है और आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा ताकि जो है बिटनामी आपका जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। अभी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं मैं लोकल होस्ट 808 पर। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखेंगे कि वो यस दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अभी हमारा जो है टॉम कैट अभी इंस्टॉल नहीं हो पाया है, तो जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको जो है सेटअप करेंगे, उसके बाद देखिएगा ये जो है ऑटोमेटिकली हमारा जो है टॉम कैट लॉन्च हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो है PHP माई एडमिन भी यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। तो कुछ टाइम तक आपको जो है यहाँ पर वेट करनी होगी ताकि जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो जो है कम्प्लीट हो जाए। ये अनइंस्टॉलर को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सेटअप हैज फिनिश्ड इंस्टॉलेशन एंड डू यू वांट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल ओके फिनिश। आपको सिंपल से यहाँ पर फिनिश कर देनी है, लैंग्वेज को करके सेव कर देनी है। जैसे यहाँ पर आप करेंगे यहाँ पर आपका जो है जैम का ये ओपन हो जाएगा। आपको जो सिंपल सा यहाँ पर आपको सारी ऑप्शन यहाँ पर शो करता है, जैसे कि यहाँ पर जो है अपाचे है, MySQL है, फाइल जिला है, मरकरी है, और यहाँ पर आपको जो है टॉम कैट, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर शो करता है। ये सिंपली आपको जो स्टार्ट पर क्लिक करके आप जो है अपने अपाचे MySQL को यहाँ पर से लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन भी जाकर के देख सकते हैं आपको जो है कॉन्फ़िगर कहाँ पर करनी है। तो सिंपल सा अपन जो है अपाचे को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टेटस डिटेक्टेड रनिंग, ये जो है मेरा अपाचे जो है स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी सिंपल और फ्लेक्सिबल, काफ़ी आसानी से यहाँ पर MySQL भी मेरा काफ़ी आसानी से स्टार्ट हो गया है। तो आपको वहाँ पर जो है स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यहाँ पर से आपको स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर करने के बाद मैंने जो है यहाँ MySQL को मैंने लॉन्च कर दिया, विच मीन्स कि अभी मैं PHP माई एडमिन को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरा जो है टॉम कैट को अगर मैं चेक करना चाहूँ, तो मैंने जो है पोर्ट जो दिया हुआ है उस पर अभी मैंने जो है टॉम कैट को लॉन्च नहीं किया। जैसे मैं टॉम कैट को यहाँ से मैं लॉन्च करता हूँ, अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट टॉम कैट ऐप, तो यहाँ पर मैंने जो है इसको स्टार्ट कर दिया है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा CMD ओपन हो चुका है। टॉम कैट है रिटर्न कोड ओके। मेक श्योर यू हैव अ जावा JDK JRE इंस्टॉल्ड रिक्वायर्ड इन
पार्ट ऑफ फ्री, एज अ पार्ट ऑफ फ्री। सो यहाँ पर अपने को फर्स्ट जो है जावा को इंस्टॉल करना होगा, तब जाकर के हम यहाँ पर जो इसको यूज़ कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी मैं टॉमकैट को यूज़ नहीं करता हूँ, अभी मैं सिर्फ जो है अपाचे और यहाँ पर MySQL है उसको दोनों को यूज़ करता हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो एडमिन का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आप जो एडमिन के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन का जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है। तो ये जो आप देख सकते हैं PHP माई एडमिन जो है कन्फिगर हो गया है। अब यहाँ से आप जो है न्यू डेटाबेस जो है क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मेरा PHP माई एडमिन जो है यहाँ पर सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है। अगर मेरे को टॉमकैट यूज़ करना है तो टॉमकैट यूज़ करने के लिए सबसे फर्स्ट मेरे को जो है जावा JDK और JRE को मेरे को इंस्टॉल करके यहाँ पर सेटअप करना होगा। अभी मैंने इसको जो है सेटअप नहीं कर पाया, इसलिए जो है यहाँ पर एरर फेंक रहा है। ठीक है, तो ये नहीं था।